देख रहे हैं झारखंड टीवी बोकारो। आम आदमी पार्टी ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन एवं शहीद परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि की मांग की। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ज्योतिष कुमार ने देश में मौजूद सरकार पर कई आरोप लगाए, कहा कि रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, यह सरकार हर तरह से फेल है। इस कार्यक्रम में सानू काश्यप, अरुण किशोर, मीनाल चौधरी, शंभु मिश्रा, आनंद करमकार, गणेश चंद्र, गोपी शर्मा, पान बाबू आदि कई कार्यकर्ता शामिल हुए। वंदे मातरम। पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन बेसिकली जो चीन के द्वारा भारतीय सीमा में लगातार पिछले 20 दिन से ये कोशिश हो रही है कि कोशिश क्या, ये साफ दिखाई दे रहा है, न्यूज़ में भी आया है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर तक ये भारत की ज़मीन पे चीनी सैनिक अंदर घुस चुके हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीनी सैनिक हमारे देश के अंदर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री उसके उलट ये कहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी हमारे सीमा के अंदर नहीं आया है, वो कहते हैं हमारा कोई भी सैनिक पकड़ा नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, ये साफ साफ देश के साथ में देश को गुमराह करना है, देश के लोगों को गुमराह करना है। एक प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक स्थिति देश के सामने लाए। दूसरा, हम लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया इसके खिलाफ में है कि आज चाइना के भारत सीमा में आने के बाद जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, इसको हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर है तो सैनिक हमारे कमज़ोर नहीं हैं। हमारे सैनिकों ने उसका जवाब भी दिया और चाइना के कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि हमारे और 75 सैनिक घायल हुए। तो एक तरीके से अस्पष्ट जानकारी बार बार मिल रही है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि देश के बारे में वास्तविक जानकारी उनको मिले और सरकार की ये जिम्मेदारी को जानकारी उपलब्ध कराए। इसी को लेकर के हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड से भी इस शहीद शहादत में 2 हमारे झारखंड के लाल शहीद हुए हैं। हम झारखंड सरकार से इसके साथ साथ मांग करते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मदद के रूप में देती है, उसी तरीके से झारखंड सरकार भी 10 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की है। 10 लाख से कुछ नहीं होगा, सैनिकों को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके परिवार के जीवन यापन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ की सहायता राशि यहाँ के शहीद लोगों को भी दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए, साथ ही उनके रहने के लिए घर, जमीन का पट्टा और एक व्यक्ति की नौकरी भी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज का हमारा ये प्रदर्शन है। देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा वीर सैनिकों के सम्मान में, और इसके तहत हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की जो हमारे चीन सीमा पर 20 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सरकार से चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि सरकार सही जानकारी जनता को दे ताकि देश में भ्रम। आम आदमी पार्टी शहादत हुए सैनिकों का सम्मान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती है और आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि अपनी ढूंढ मूंढ नीति दोहरी रवैया ना अपनाए। एक तरफ आप कहते हैं कि चाइना सामान का बहिष्कार किया जाए, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बच्चे जो आज चाइना के साथ साथ कट करके व्यापार कर रहे हैं, बहुत दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है चाइना का चालू रहेगा, किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी पुनः मांग करती है कि भाजपा सरकार दोहरी नीति ना अपनाए, जो भी डिसीजन लेना है आर पार का डिसीजन ले। धन्यवाद।